हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने घरों में ठंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो हमारे आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है, वो ट्रूली क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और उनके ट्रू इंटेंशन क्या है। तो इसमें हम आपके पर्सन के थॉट्स देखेंगे, करंट फीलिंग्स नहीं हैं, अभी क्या सोच रहे हैं वो नहीं है, ये है कि ट्रू इंटेंशन क्या है, एक्चुअल में वो क्या चाहते हैं रिलेशनशिप से। तो हमारे पास है ये दो ऑप्शन। द फर्स्ट है द माउंटेन और सेकंड है द क्लाउड। तो दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं, द माउंटेन और द क्लाउड। तो अगर आपको किसी पाइल की रीडिंग नहीं समझ आ रही है तो आप सेकंड पाइल की रीडिंग देख सकते हैं, सेकंड पाइल की नहीं समझ आ रही है तो ग्रुप वन की देख सकते हैं। तो ये है दोनों पाइल्स, ग्रुप वन और ग्रुप टू। तो इसमें हम कई सारे कार्ड्स यूज़ करेंगे और देखेंगे आपके पर्सन की क्या है ट्रू इंटेंशन। इसमें हम प्लेइंग कार्ड्स, टैरो कार्ड्स और रोमांस एंजल, सोल जर्नी और साइकिक टैरो यूज़ करेंगे, विस्टम ऑफ ओरेकल भी यूज़ करेंगे। तो सब में निकाल के देखेंगे पूरी डिटेल में कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है। तो मैं आपकी रीडिंग में मिलती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने द माउंटेन चूज़ किया है। तो देखते हैं आपके पर्सन का ट्रू नेचर कैसा है, ट्रू कैरेक्टर क्या है। जिन्होंने ग्रुप वन चूज किया है, कॉल अपॉन एंजल्स टू गिव टू गाइड मी यूनिवर्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। जिन्होंने ग्रुप वन चूज किया है उनके पर्सन का ट्रू नेचर क्या है, जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनका ट्रू नेचर क्या है। ग्रुप वन जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनका ट्रू नेचर क्या है। एस ऑफ डायमंड, सेकंड है जैक ऑफ क्लब्स, सेवन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ डायमंड और फोर ऑफ डायमंड। तो आपके पर्सन का जो साइन है वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकता है, वृषभ कन्या मकर और एरीज लियो सजिटेरियस, मेष सिंह धनु भी हो सकते हैं और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हो सकते हैं, कर्क वृश्चिक मीन, और साथ में जो हमें साइन नहीं आया है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ, वो हमें टैरो में आ जाएगा। तो अभी देखते हैं रीडिंग में क्या है कि आपके पर्सन का ट्रू कैरेक्टर क्या है, आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो अभी भी आपसे वो एनर्जेटिक कनेक्शन फील करते हैं, अभी भी आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं बहुत। उनको ऐसा फील होता है कि आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री था वो बहुत स्ट्रांग था और साथ में आप दोनों का जो रिलेशनशिप का फाउंडेशन है, ठीक है, शुरुआती जो रिलेशनशिप आप लोग का हुआ था तभी से एक दूसरे के प्रति आप लोग के बीच में स्ट्रांग अट्रैक्शन था। हो सकता है इस पर्सन के हार्ट में बहुत अट्रैक्शन था, बहुत प्यार था आपके लिए, पर इन्होंने कभी भी अपना प्यार उस तरीके से आपको बोला नहीं या फिर ऐसे किया जैसे फ्रेंड है, ऐसे टाइप का सिचुएशन किया, आपके बहुत ट्रस्टेड फ्रेंड की तरह बिहेव किए या पर आपको कभी भी ऐसे इन्होंने खुल के नहीं बताया कि एक्चुअल में आपको ये चाहते हैं, इनके ट्रू इंटेंशंस ऐसे हैं। साथ में यहाँ मुझे दिख रहा है ये आपको किसी तरीके से दोबारा या तो प्रपोज करना चाहते हैं, कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नई शुरुआत ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं। ये पर्सन ऐसे भी है जो काफ़ी दूसरों के बातों में भी आ जाते हैं, इनसे कोई अगर मदद मांगता है तो ये मदद के लिए भी रेडी हो जाते हैं,
मीन्स ये दूसरों की जो तकलीफ है वो नहीं देख पाते। साथ में मुझे ऐसा भी यहाँ एनर्जी जा रहा है कि ये पर्सन दोबारा आपसे मौका चाहते हैं। इन्होंने जो भी किया है पास्ट में आपके साथ, तो ये दोबारा चाहते हैं कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो हील हो जाए, क्योंकि उनके दिल में एक बोझ सा है। यहाँ एनर्जीज ऐसी है कि तो इनका हो सकता है कहीं दूसरी जगह एंगेजमेंट हो गया हो, जिसकी वजह से ये आपसे दूर हो गए हैं, या फिर कहीं दूसरी जगह मैरिज हो गई हो। पर ये पर्सन के जो ट्रू इंटेंशन है वो यही है कि ये दोबारा चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप को ठीक करना। मीन्स कि ये चाहते हैं हीलिंग हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, बोझ फील करते हैं, इनके दिल में बोझ है। और आपके साथ जो स्ट्रांग कनेक्शन फील करते हैं ये पर्सन, एनर्जेटिकली बहुत कनेक्टेड फील करते हैं आपके साथ, तो वो कनेक्शन ये पर्सन चाह के भी नहीं भुला पाते। और आपके पास ही ये पर्सन कोई नई ऑफर लेके आना चाहते हैं, या फिर आपको किसी तरीके का मैसेज, लेटर मैसेज या कुछ ऐसे करना चाहते हैं, ये पर्सन शुरुआत करना चाहते हैं। हम टैरो से भी देखते हैं कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है, मतलब इस पर्सन के हार्ट में पॉजिटिव इंटेंशन है आपको लेकर। जिन्होंने ग्रुप वन माउंटेन चूज किया है उनके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है, उनके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, स्टार रिवर्स्ड आया है यहाँ, जबकि मैंने सारे कार्ड्स जो है अपराइट रखे थे, पर ये रिवर्स आना था इसलिए रिवर्स आया। सन, हाई प्रिस्टेस और जजमेंट। तो यहाँ जो एनर्जीज है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। एक्यूरस स्ट्रांग है और लियो है, पाइसीस है। ठीक है, तो आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है? देखिए, जैसे मैंने कहा, ये पर्सन हीलिंग चाहते हैं। इन्होंने हो सकता है पास्ट में आपको हर्ट किया हो, जिसकी वजह से इनको बहुत अब रिग्रेट हो रहा है। ये पर्सन जो है बहुत रिग्रेटफुल एनर्जीज में है। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एप्लोजी करना चाहते हैं। और यहाँ जो है स्टार रिवर्स्ड आया है, ये हील्ड नहीं है, ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को विक्टिम, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ गलत किया है। इनको बहुत दिल में बोझ है, क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस है, तो हाई प्रिस्टेस के साथ है यहाँ फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो इन्हें जो है, इनकी अंतरात्मा इनको बोलती है कि कुछ इन्होंने गलत किया है। जिस पर्सन ने, इनको ऐसा लगता है आपके बारे में ट्रू इंटेंशन ये भी है कि जिस पर्सन ने तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना तुम्हें रेस्पेक्ट दिया, और तुमने उसके साथ ही वैसा किया, इस तरीके का बिहेव किया, तो इस पर्सन की अंतरात्मा ये कहती है। तो ये पर्सन आपको वो जजमेंट देना चाहते हैं, दोबारा रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं। एक्चुअल में इनके दिल में बहुत बोझ है, तो हीलिंग चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हमें स्टार जो है रिवर्स्ड आया है। तो इनको ऐसा लगता है कि ये जो पाथ है वो डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर वो ये विश तो कर रहे हैं सारी चीज़ें ठीक हो जाए, पर यहाँ पर हमें जजमेंट का कार्ड आया है। उनको ऐसा ज़रूर लगता है कि उन्होंने कुछ डिसीजन लिया है, मेजर डिसीजन लाइफ का लिया है, जिसकी वजह से उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है और आपको इस सिचुएशन में रखा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आपको अचानक से इस पर्सन ने छोड़ दिया है, कुछ सीक्रेट्स भी छुपाए। उनको इस बात का भी दुख है कि उन्हें पहले से पता था कि ऐसा कुछ सिचुएशन आप लोग के बीच में होगा, पर उन चीज़ों को आपके पर्सन ने छुपाया, और अभी भी ये छुपा रहे हैं कि इनको इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है और ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं।
हो सकता है जब इस पर्सन से आपकी बात बंद हुई तो इनके लाइफ से वो सारी खुशियाँ वो चली गई। हो सकता है इनके लाइफ में कोई ऐसा डोमिनेटिंग पर्सन हो सकता है जो कि इनको पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। इनको हो सकता है इनकी मदर हो। बेसिकली यहाँ मुझे दिख रहा है कोई फीमेल फिगर है, कोई फीमेल है जो कि इनको पूरी तरीके से कंट्रोल करती है और ये उन्हीं के अकॉर्डिंग बिल्कुल बच्चे बन के रहते हैं। जो भी ये जो पर्सन बोलती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपके पर्सन सारे डिसीजन लेते हैं। तो इनके मन में बहुत रिग्रेट है, बहुत बोझ है और साथ में अब वो वैसी खुशी जो है सन कार्ड है वैसी खुशी फील नहीं कर पाते जो आपके साथ करते थे। तो दोबारा इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन मौका चाहते हैं, ये उनके ट्रू इंटेंशन है और वो हीलिंग चाहते हैं। उन्होंने जो आपको तकलीफ दी है उससे आपको भी वो हील करना चाहते हैं और साथ में खुद भी अपनी हीलिंग चाहते हैं क्योंकि उनको अंदर ही अंदर ये बात बहुत ज़्यादा जो है परेशान करती है। तो आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस मुझे यही लग रहे हैं कि उनको लगता है कि कुछ गलती की है उन्होंने, उन्हें मौका चाहिए, दोबारा कुछ डिसीजन लिया है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ गई थी आप लोग के लाइफ में। और देखते हैं कि और क्योंकि देखिए यहाँ पर भी है हमें 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोचने में काफ़ी टाइम ये पर्सन आपके जो पर्सन हैं वो बिता देते हैं कि उन्होंने गलती की है। उनके अंदर दिल में बहुत बोझ जो मुझे एनर्जी आ रही है उनकी ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा बोझ है उनके दिल में। और देखते हैं और जिन्होंने ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। हमें जो कार्ड आया है वो है मिरेकल्स। तो वो किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं, वो अभी खुद से एफर्ट नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं बस कि कुछ मिरेकल हो जाए और सारी सिचुएशन आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए। कुछ मिरेकल के लिए वेट कर रहे हैं आपके पर्सन। और देखते हैं इंस्पिरेशन, आई एम रिसीविंग डिवाइन इंस्पिरेशन राइट नाउ। ठीक है, अपने आप को ये पर्सन अभी इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ पाए। वो यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ पाए आपकी तरफ, पर उनमें शायद वो करेज अभी नहीं है, उनमें अभी वो करेज नहीं आ पा रही है कि वो आके वो आए और आपसे जो है सिचुएशन में जो भी हुआ है उसके लिए माफ़ी मांगे। और देखते हैं और उनके ट्रू इंटेंशन क्या है। वर्थ वेटिंग फॉर कार्ड आया है, तो वेट कर रहे हैं अभी। वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट कर रहे हैं, किसी मिरेकल के लिए वेट कर रहे हैं कि ऐसा मौका आए कि आप दोनों का आमना सामना हो जाए और अचानक से आमना सामना हो जाए और ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे। और देखते हैं और स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, अपने आप को जो है खुद गॉड से प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि सब ठीक हो जाए। आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं क्योंकि एंड ऑफ द डेक आया है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपसे बात करना चाहते हैं और रिकन्सिलेशन भी चाहते हैं। आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन हो आपके पर्सन ये भी चाहते हैं। तो इस पर्सन के जो इंटेंशन है आपके लिए वो बिल्कुल प्योर हैं और वो उन्होंने जो भी की है उसके लिए काफ़ी रिग्रेट फील करते हैं। इन्होंने ग्रुप 1 चूज किया उनके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। एक्सलरेटेड मोशन
और है क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा। ठीक है, तो ये पर्सन जो है, ये जो चक्रा के कार्ड्स आए हैं, ये बता रहे हैं कि ये अभी अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मेडिटेट करते होंगे, गॉड को बहुत प्रे कर रहे हैं, जिससे कि ये आपकी तरफ आ पाए, कुछ ऐसे मिरेकल्स हो। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर भी ये स्टार गिरता हुआ, ये विश कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए आप लोग के बीच में। तो इनके ट्रू इंटेंशंस यही है, तभी इनको जो है मन में वो शांति मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्राउन चक्रा भी है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत, इनके ये सारी चीज़ें सोचकर इनके हेडेक भी होता होगा और बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि सब ठीक हो जाए। और देखते हैं, पर इनमें वो करेज नहीं आ पा रही है, मुझे ये एनर्जी आ रही है कि करेज की यहाँ कमी है आपके पर्सन में। कुछ ऐसे उनके लाइफ में होगी प्रॉब्लम, मजबूरी होगी, जिसकी वजह से कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे। और देखते हैं और क्या ट्रू इंटेंशन है। पीस कम टू द एज और इमेजिन। ठीक है, तो ये जो है पीस आपके साथ, आपके पर्सन के, यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, तो ये जो एग है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पर्सन, और साथ में सिचुएशन में पीस चाहते हैं। आप लोग का जैसे रिलेशनशिप एंड हुआ या फिर जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए, आपके पर्सन ऐसा नहीं चाहते थे, वो आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहते थे। तो कम टू एन एज का भी कार्ड आया है और इमेजिनेशन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं सिचुएशन को लेके, डे ड्रीमिंग भी करते हैं कि क्या करूँ मैं इस सिचुएशन में, पर इनको ऐसा लगता है कि सारी सिचुएशन इनके हाथ से निकल रही है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर फॉर्क इन द रोड भी है एंड ऑफ द डेक, और यहाँ सोलमेट का भी कार्ड्स है, तो ये आप दोनों के बीच में सोल कनेक्शन हो सकती है, और एक दूसरे को आप, हो सकता है पास्ट लाइफ से जानते हो, सोल कनेक्शन है आप लोग के बीच में, और जो भी सिचुएशन है उसके लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल है, और उनके जो दिल में जो चीज़ का बोझ है उसका सॉल्यूशन आप ही के पास है। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पर की है और यहाँ पर की होल है, तो ये बता रहा है कि इनके जो दिल में सवाल है बहुत सारे, उनके जवाब आप ही के पास है। और ये अ पर्सन जिस दिन इनको ऐसा लगेगा बिल्कुल और सहन नहीं कर पाएंगे सिचुएशन को, बहुत इनको हार्ट में बहुत डीपली ये फील करेंगे, उस दिन ये पर्सन आपको ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे, कभी ना कभी ये पर्सन आपको ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि ये कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप वन माउंटेन चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप टू चूज़ किया है, द क्लाउड्स। तो देखते हैं कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है, एक्चुअली वो क्या चाहते हैं। तो जिन्होंने ग्रुप टू क्लाउड्स चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, वो उनके ट्रू इंटेंशन क्या है, वो ट्रूली क्या चाहते हैं, आपके बारे में क्या चाहते हैं। यहाँ जो हमें कार्ड्स आए हैं वो है किंग ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ क्लब्स, सेवन ऑफ हार्ट, सेवन ऑफ स्पेड और फाइव ऑफ डायमंड।
शायद जो ग्रुप वन देख रहे होंगे वो ग्रुप टू की भी रीडिंग देखेंगे, शायद इसलिए एनर्जी कुछ कुछ सेम आई है। तो यहाँ जो एनर्जीज है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मीन्स पूरे ही साइंस है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है? आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन मुझे यहाँ दिख रहा है कि अभी भी आपके पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, बहुत आपको प्यार करते हैं और उनके दिल में अभी भी आपसे प्यार, वो उनके दिल में बहुत ही प्यार है आपके लिए, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ हार्ट से रीडिंग शुरू हुई है। उसके बाद है हमें क्वीन ऑफ क्लब्स, सेवन ऑफ हार्ट। तो आपके पर्सन दोबारा चाहते हैं इस रिलेशनशिप में मौका, मीन्स आपके साथ वो दोबारा रीयूनियन चाहते हैं, पर हो सकता है कि आपके इमोशंस अब कूल डाउन हो चुके हैं या आप इस रिलेशनशिप से अब आगे बढ़ चुके हो। आपने क्योंकि आपको शायद इस रिलेशनशिप में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आप अभी मूव ऑन कर चुके हो, पर आपके पर्सन के दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है और आपके जो इंटेंशन है, हो सकता है एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, हो सकता है जो मैं बोल रही हूँ वो आपके पर्सन के इंटेंशन हो और आपके पर्सन के बारे में जो बोल रही हूँ वो आपके इंटेंशन हो, ऐसे भी हो सकता है। तो आपके पर्सन के जो है वो उनको लगता है कि आपके इमोशंस कूल डाउन हो चुके हैं, पर अभी भी वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं फिजिकली और एक अट्रैक्शन फील करते हैं, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में है। तो ये पर्सन दोबारा मौका चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि ग्रुप वन में भी ऐसे ही आया था। तो मुझे लग रहा है जिन्होंने ग्रुप वन देखा है वो ग्रुप टू की भी रीडिंग देख रहे हैं, इसलिए एनर्जी कुछ कुछ सेम आ गई है। कोई बात नहीं, उससे फिर देखते हैं आगे और क्या आता है। जिन्होंने ग्रुप टू चूज किया है द क्लाउड्स, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है। जिन्होंने ग्रुप टू चूज किया है द क्लाउड्स, उनके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है उनके लिए। पहला कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सन, किंग ऑफ सोर्ड्स और सेवन ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है? यहाँ है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन ऐसे हैं जो बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली वैल्यूज को मानने वाले हैं। हो सकता है ये इनके सोसाइटी में अच्छी पोजीशन हो, किसी अच्छे जॉब में हो, ऐसे टाइप के पर्सन हो सकते हैं, पर हम आपके पर्सन के अभी इंटेंशंस देख रहे हैं। तो आपके पर्सन जो है उनके इंटेंशन ये है कि वो आपके साथ जो फील करते हैं, जो हैप्पीनेस फील करते हैं और जो उनके दिल में खुशी आती है वो आप ही से आती है, आपके बारे में सोचते हैं तब आती है। उनका जो प्यार है वो आपके लिए बिल्कुल ट्रू है, बहुत सच्चा प्यार है आपके लिए, पर किसी रीज़न से आप दोनों अलग हो गए होंगे। जब हिम्मत दिखाने का टाइम आया होगा इस पर्सन ने हिम्मत नहीं दिखाई होगी, हो सकता है इन्होंने कुछ आपको कुछ पहले कम्युनिकेशन नहीं की, आपने बहुत टाइम इस पर्सन ने आपको बहुत टाइम तक कंफ्यूज स्टेट में रखा, या फिर इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे और अब आप इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हो। और आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो सिचुएशन को लेकर और आप
के पास, उनको ऐसा भी है फीलिंग्स कि आपके पास अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपने शायद अपने लाइफ में कुछ और किसी को चूज़ कर लिया है, आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया है, ऐसा उनको फील होता है। तो इन चीज़ों को सोच के आपके पर्सन थोड़े से यहाँ मुझे लग रहा है कि स्ट्रेस्ड भी हो जाते हैं। साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपने इमोशंस जो है वो खुल के नहीं बताते। हो सकता है इन्हें किसी चीज़ का जो है इनके लाइफ में किसी चीज़ का हो सकता है डर है, हो सकता है स्टेटस का हो या फिर जिस पोजीशन में है उसकी वजह से हो, जो भी सिचुएशन है ये पर्सन अपने इमोशंस खुल के नहीं बताते। और इनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत हमेशा कंफ्यूज रहते हो या फिर आप हमें आपके पास बहुत और भी चॉइसेस हैं, आपके लिए काफ़ी लोग आपको पसंद करते हैं, ऐसे भी इनको लगता है। इसलिए ये पर्सन आपकी इन्हीं बातों से काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पे। तो ये इन कार्ड्स में दिख रहा है। और भी हम देखते हैं कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है, जिन्होंने ग्रुप टू चूज़ किया है उनके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है। टू चूज किया है उनके पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। डेफिनेटली देखिए आपके पर्सन आपको बहुत लवेबल समझते हैं और आप डिजर्व करते हो प्यार, आप में वो सारी क्वालिटीज हैं, उनको ऐसा लगता है। केमिस्ट्री, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग थी, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ, चाहे वो आपके फिजिकली भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं आपको और साथ में आपसे इमोशनली भी अट्रैक्टेड हैं। कॉलिंग योर सोलमेट, तो आपको अपना सोलमेट भी आपके पर्सन समझते हैं। हो सकता है पर्सन आपको अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उन्हें दोबारा मौका मिल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, वो आपके साथ दोबारा सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ एंगेजमेंट का भी कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपको फ्यूचर में जो है आपको कमिटमेंट दे। यहाँ पर हमें दो कार्ड आए हैं, सोलमेट का कार्ड है, सोलमेट का पहले भी आ चुका है, तो पर्सन आपको सोलमेट समझते हैं अपना, और साथ में एक सोल कनेक्शन है आप लोग के बीच में। और इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया है जिसकी वजह से अभी आप शायद इनके ऊपर फोकस्ड नहीं हो। और रिकन्सिलेशन, तो ग्रुप वन की तरह ग्रुप वन के ही लोग देख रहे, ग्रुप वन में जो देख रहे थे सब वही देख रहे हैं, इसलिए शायद रिकन्सिलेशन फिर से आया है, आपके पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। और वहाँ पर भी हमें यही आया था, एंड ऑफ द डे स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो आपको अभी आपके पर्सन अभी ऑप्टिमिस्टिक हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको। तो जिन्होंने ग्रुप जिन्होंने ग्रुप टू चूज किया है उनके पर्सन के टू इंटेंशंस क्या है, जिन्होंने ग्रुप टू चूज किया है उनके पर्सन के टू इंटेंशन क्या है उनके लिए। फर्स्ट में है फ्रेंडशिप, सेकंड में है ऑनेस्टी और थर्ड है फ्रीडम। ठीक है, तो आपके पर्सन दोबारा आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, अगर आपसे वो रिलेशनशिप नहीं रख सकते तो दोबारा फ्रेंडशिप आपसे खोना नहीं चाहते। उनके जो फीलिंग्स है आपके लिए वो बहुत ऑनेस्ट है और ये पर्सन जो है आपके लिए लॉयल भी है। ठीक है, ये ऐसे पर्सन हैं जो कि आपको पूरे हार्ट और सोल से प्यार करते हैं। अभी इनके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन है शायद जहाँ से ये फ्रीडम चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। ग्रुप टू चूज किया उनके पर्सन के और क्या टू इंटेंशंस हैं। यूनिवर्स द वर्ल्ड कार्ड है और है शैडो। तो ये पर्सन आपको सोलमेट तो समझते ही हैं, साथ में अपना ट्विन फ्लेम भी इनको लगता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप दोनों के बीच में,
फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये चाहते हैं आपके साथ फैमिली हो और आप इनकी पूरी तरीके से खुशी हो, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स कार्ड भी आया है, द वर्ल्ड कार्ड, द कार्ड ऑफ कंप्लीशन। तो आप से मिलके ही उन्हें ऐसा फील होता है कि वो पूरे हो गए हैं। जैसा आपके साथ फील करते हैं ये पर्सन, वैसा और किसी के साथ ये फील नहीं करते होंगे। और देखते हैं उन्होंने ग्रुप टू चूज़ किया, उनके पर्सन के टू इंटेंशन क्या है। लव, तो आपके पर्सन के टू इंटेंशन ये है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लेजर, और साथ में है यहाँ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आपके साथ उन्हें वो जो खुशी मिलती है, जैसे मैंने कहा जो खुशी मिलती है वो नहीं भुला पाते हैं उन चीज़ों को। साथ में आपके बारे में सोचने से ही आपके पर्सन को एक स्ट्रेंथ मिलती है, और सारे जो मोमेंट्स हैं आपके साथ जो आप दोनों ने एक साथ शेयर की है वो सारी चीज़ें याद करते हैं आपके पर्सन। यहाँ जो टी कप है वो भी ऐसे कुछ हो सकता है, आप दोनों ने एक साथ आप कॉफ़ी पीने गए हो, या फिर आप लोग कहीं यहाँ गए हो जहाँ कि आप दोनों ने एक साथ मोमेंट्स काफ़ी सारे बिताए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके पर्सन बहुत याद करते हैं और आपसे एक अलग सा स्ट्रेंथ मिलता है उनको। आपके बारे में सोचने से भी आपके पर्सन को स्ट्रेंथ मिलता है। पीस, फॉर्क इन द रोड, और है कम टू एज। तो जो पीस कार्ड है ये बता रहा है कि आपके पर्सन अभी भी होपफुल है सिचुएशन में, और वो चाहते हैं कि सारी सिचुएशन पीसफुली रिजॉल्व हो जाए। हो सकता है इनके लाइफ में ऑलरेडी ये पर्सन दो सिचुएशन के बीच में काफ़ी अभी ट्रबल्ड हैं, या फिर इनके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ दो सिचुएशन है। हो सकता है पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, पर इनका प्यार जो है आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। ये कुछ चेंज चाहते हैं, अभी जिस सिचुएशन में है उसे ये पर्सन चेंज चाहते हैं। और साथ में कमिंग टू द एज जो कार्ड है ये मुझे ये एनर्जी दे रही है कि अब ये पर्सन जो है आना चाहते हैं आपके साथ, आपके पास आना चाहते हैं और आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर ये इनके थॉट्स एंड इंटेंशन हैं। अब ये करेंगे कि नहीं ये पूरी तरीके से इनके करेज पे डिपेंड करता है, इनके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि ये करेंगे कि नहीं, पर इनके जो ट्रू इंटेंशन है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। इनके दिल में बहुत है प्यार आपके लिए और अभी भी ये बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन फील करते हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने द क्लाउड्स चूज़ किया था। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और साथ में चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।